हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब अब हम करेंगे रदरफोर्ड uh, की जो थ्योरी थी एटम के ऊपर जो इन्होंने मॉडल पेश किया था रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का उसको कवर करेंगे इस वीडियो में और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा ये वीडियो होगा के स्पेशल पी 2020 और एवरी uh, जो भी Uh, मतलब एसएससी वगैरह के लिए तैयारी कर रहा है या जिस भी पेपर में साइंस का पोर्शन आता है तो उन सब के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट होगा और मेनली हम टारगेट कर रहे हैं के वी के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें इन्होंने यहाँ पे इंडिकेट किया था कि रेड वाले जो हैं वो हैं न्यूक्लियस और ब्लैक वाले जो हैं वो हैं न्यूट्रन प्रोटोन ये यहाँ पे हैं और ये जो ब्लैक रे है ब्लैक लाइन है ये है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स एंड द ब्लू वन इज इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने डिफाइन किया हर एक चीज को और हम उसी चीज़ को गोथ्रो करेंगे आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आए और अगर कोई भी क्योरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ रदरफोर्ड देखिए हम इससे पहले अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का उसमें मैंने अच्छे से बताया था कि एटम क्या होता है और हम जे जे थॉमसन का कर चुके थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और 1906 में उनको उस काम के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था अब हम इस वीडियो में रदर को करेंगे और आफ्टर देन इसके नील बोहर जिन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था एटम का मॉडल दिया था थर्ड नंबर पे उसको कवर करेंगे और फिर हमारा एटम चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कुछ टर्म्स रह जाएंगी जैसे आइसोटोप रह जाएगा आइसोबार्स रह जाएगा उनको भी हम इक्वली कंप्लीट करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड क्या हुआ कि इनसे पहले जे जे थॉमसन आए और उन्होंने इस इसको एक पॉजिटिव सर्कल बोला धनात्मक गोल की तरह बोला और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन को उन्होंने तरबूज के बीज बताया और जो खाने वाला जो रेड पोर्शन बताया जो आ, मतलब रेड रेड जो पोर्शन होगा इन इलेक्ट्रॉन से अलग उन्होंने उसको एटम बताया फिर रदरफोर्ड आए यहाँ पे और इन्होंने क्या बताया वो देखते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होते हैं जे जे थॉमसन अपनी मॉडल पेश कर चुके थे लेकिन आ, जो रदरफोर्ड जी थे उन्होंने क्या ये जानने की उनकी क्यूरियोसिटी थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के भीतर कैसे रहते हैं लाइक तरबूज की जो शेप बताई थी उन्होंने कि खाने का जो हिस्सा होता है वो परमाणु है और उसमें जो काले बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसे व्यवस्थित हैं वो देखना है उन्होंने एक प्रयोग किया इस प्रयोग में उन्होंने तेज़ गति से चल रहे अल्फ़ा कणों को सोने की पट्टी पर टकराया गया उन्होंने एक गोल्ड की शीट लिया इलेक्ट्रॉन ने, ने, की की और उन्होंने देखा कि कुछ कण जो हैं वो सोने की पट्टी पर कैसे टकरा रहे हैं इन्होंने सोने की पन्नी इसीलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे वो चाहते थे कि जो एल्फा बीटा गामा आपने सुनी होगी अल्फा रेज बीटा रेज गामा रेज तो इन्होंने ये देखा कि जो एल्फा रेज हैं जो मतलब ये अल्फा रेज हैं वो सोने की पन्नी से कवर होती हैं या नहीं होती हैं क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे सोने की यह पन्नी एक हजार परमाणुओं के बराबर मोटी थी सबसे फर्स्ट वीडियो में जो हमने एटम एंड मॉलिक्यूल का चैप्टर किया था तो मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल रेत के बारीक कण की तरह होता है एक ऐटम और एक हज़ार ऐटम मिला के एक शीट बनती है पेपर की और उतनी ही पतली शीट इन्होंने गोल्ड की ली और इन्होंने ये भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया कि एक हजार परमाणु के बराबर मोटी हो गई थी वो तो इन्होंने गोल्ड शीट को यहां पर कण होते हैं और ये धना आवेशित होते हैं। एल्फा पॉजिटिव होते हैं इनका इसीलिए तीव्र गति से जो जल्दी चल रहे हैं इन कणों में पर्याप्त ऊर्जा हो जाती है इनमें बहुत सारी एनर्जी होती है क्योंकि इनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है इस डायग्राम से हम कंप्लीट करेंगे और प्लीज़ माफ़ कीजिएगा कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्योंकि आ, ये आ, बुक में जब पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत चल जाता है पेन और मैंने बुक में से ड्रॉ बुक में से ये पिक्चर राइज किया है इस चीज़ को लेकिन आपको समझ आनी चाहिए वो चीज़ कि यहाँ से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बुक नहीं मिल पाती तो मतलब नियर बाय भी नहीं मिल पाती और मार्केट नहीं जा पाते तो उनके लिए इजिबल होगा प्लस कि हम उस बुक में से क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें तो दिस इज दुफिसेंट मैटर रदर फोर्ड अटोमिक मॉडल और इसके लिए ये सोफिसेंट होगा अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कुछ एल्फा रेज को छोड़ा इनमें से कुछ रेज क्या हुई आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कुछ रेज तो सीधी निकल गई बहुत फास्ट स्पीड थी बहुत एनर्जी थी और जो शीट थी गोल्ड की वो काफी पतली थी थिन थी लेकिन कुछ एल्फारेज रेज टकरा कर वापिस आ गई कुछ मतलब गई ही नहीं वहीं पे रह गई और कुछ रेज सीधी निकल गई आप देख सकते हैं यहाँ पर सोने की परत द्वारा कणों का प्रकीर्णन है ये लेकिन कण प्रकीर्णन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत काम किया और इसके क्या परिणाम निकले वो देख लीजिएगा कुछ अल्फा कण तो पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विषेपित हुए मतलब काफी कम एंगल बनाया देख सकते हैं आप यहाँ पे कि यहाँ पर तो इन्होंने एक छोटा सा एंगल बनाया दिस एंड पर इन्होंने काफी बड़ा एंगल बनाया फिर यहां पर छोटा हो गया एंगल तो ऐसे कोई छोटे एंगल बने और कोई बड़े एंगल बने आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक बारह हजार कणों में से एक कण वापस आता गया और रदरफोर्ड के अनुसार अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड फोर्ड ये रिजल्ट आया कि वो अनबिलीवेबल था जैसे अगर आप एक पंद्रह इंच के तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर अपने आप को ही चोट पहुंचाता है लाइक like, बात सुनिए गोल्ड शीट में, में से इन्होंने एटम ओ सॉरी क्या ये हाँ परमाणुओं की बम्बार्डिंग की परमाणु ही छोड़े ना एल्फारेज एल्फारेज की बम्बार्डिंग की और क्या हुआ कि कुछ तो सीधी निकल गई लेकिन कुछ इतनी तेज़ एनर्जी थी उनमें इतनी तेज़ स्पीड थी उनमें कि वो वापस आकर वहीं पे लगी जहाँ से वो छोड़ी गई तो ये इन्होंने मॉडल रिप्रेजेंट किया ईरदर फोर्ड अठारह से 1937 तक का इनका जीवन काल रहा और इनका जन्म हुआ 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग ग्रो में उनको नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है ये लाइन इंपॉर्टेंट है इनको नाभिकीय न्यूक्लियर फिजिक्स का इनको जनक माना जाता है रेडियो धर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए ये प्रसिद्ध हुए और 1908 में इनको नोबेल मिला नाभिक के भौतिक का जन्म कौन है तो ये हैं रदरफोर्ड साहब ठीक है इनको 1908 में पुरस्कार दिया गया नोबेल मिला जबकि जे जे थॉमसन को 1906 में उनको नोबेल मिला था आगे बढ़ते हैं इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप किया कर, किया ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है मान लीजिए कि एक बच्चा अपनी को बंद एग्जाम्पल जरूर करनी चाहिए हमें अगर हम थ्योरेटिकल वे में किसी चीज को कर रहे हैं प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो दैट्स इट कोई प्रॉब्लम ही नहीं है लेकिन अगर हम थ्योरेटिकल कोई चीज कंप्लीट कर रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल जरूर होने चाहिए लाइक एग्जाम्पल के थ्रू हम उस चीज़ को डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं अपने आप में और अगर आप ये चीज़ करके देखना चाहते हो अपने आप को तो आप ज़िंदगी भर उस चीज़ को नहीं भूल पाते हैं जो चीज़ हमने खुद पर डेमो किया हो मान लीजिए कि एक बच्चा अपनी आंख को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है उस दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें, प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही उसको एक आवाज सुनाई देगी अगर वह इसे दस बार दोहराएगा तो दस बार आवाज सुनाई देगी लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से गिरी हुई चार दीवार पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई भी आवाज़ नहीं पड़ेगी क्यों क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान हैं जिनके बीच से पत्थर निकल जाता है बिल्कुल सही बात है अगर तार से गिरावे हुआ कोई आप स्प्रिंग लाइक सर्कल बनाते हैं और उसमें से पत्थर वो करते हैं तो काफ़ी सारे पत्थर ऐसे होते हैं जो खाली निकल जाते हैं खाली स्थान से और जिनके बीच से पत्थर निकल जाएगा तो कोई आवाज़ होगी ही नहीं इसी तर्क के अनुसार इसी आ, इसी रीजन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला कि अल्फा जो रेज हैं वो प्रकर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने इनके अलग अलग रिजल्ट्स दिए रिजल्ट्स क्या दिए ये रिजल्ट दिए कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली होता है एटम के अंदर का क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं बहुत कम ही कण सम uh, मतलब पार्टिकल्स uh, कुछ ही पार्टिकल अपने मार्ग से विक्षेपित मतलब वापिस आते हैं जिससे यह है, ज्ञात होता है यह पता चलता है कि परमाणु में धनावेश धनावेशित भाग बहुत ही कम है बहुत कम आ, बहुत ही ज्यादा कम कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए जिससे ये संकेत मिला कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग दरव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है प्राप्त आंकड़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से टेन रेशियो पावर फाइव गुना बड़ी है परमाणु की जो त्रिज्या है वो एक न्यूक्लियस सॉरी न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियर नाभिक की न्यूक्लियस नाभिक मतलब जो यहाँ पे ये हो गया ये, ये इसका न्यूक्लियस हो गया तो इसको हम बोलेंगे नाभिक नाभिक की जो त्रिजा है जो रेडियस है वो परमाणु की त्रिजा से टेन रेशो दी पावर फाइव गुना छोटी है अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया न्यूक्लियर मॉडल दिया इन्होंने और जिसके जिसके निम्नलिखित लक्षण थे कौन से क्या क्या लक्षण थे कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है पॉजिटिव आयंस होते हैं जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है नाभिक कहा जाता है एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है नाभिक में कितना द्रव्यमान होगा लगभग एक परमाणु का एटलीस्ट कंप्लीट जो मास होगा वो एक नाभिक में होगा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्र लगाते हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्र लगाते हैं नाभिक का जो आकार होता है वो परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है लेकिन इनके जो मॉडल था जो इन्होंने मॉडल पेश किया उसमें कुछ कमियां भी थी वो क्या कमियां थी और उसी कमियों को क्रिटिसाइज करने के लिए इनकी आलोचनाओं पर काम करने के लिए फिर नील भोर आते हैं और वो एक अलग मॉडल देते हैं एटम का कोई भी आवेशित कण कोई भी आयंस गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा वो स्पीड में होगा त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का जो विकिरण होगा इसी प्रकार स्थाई कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है जबकि हम जानते हैं कि एटम जो है वो परमानेंट है यही बताया रदर फोर्ड मॉडल ने कि जो नाभिक का आकार है वो परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है कुछ एटम जो हैं वो बड़े होते हैं नाभिक से न्यूक्लियस से तो वहां से टकराकर वापस आ जाते हैं और कुछ क्या होते हैं कि बिल्कुल सीधे चले जाते हैं इसी चीज़ को इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया यहाँ पे प्रदर्शित किया परमाणु का जो केंद्र है वो इन्होंने पॉजिटिव आयन बताया और जिसे इन्होंने न्यूक्लियस कहा एक परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान नाभिक में होता है तो यही बताया रदरफोर्ड के मॉडल ने हमें कि मतलब जो परमाणु का केंद्र होता है वो पॉजिटिव आयन होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है और एक परमाणु का जो लगभग संपूर्ण द्रव्यमान होगा वो एक न्यूक्लियस में होगा इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के न्यूक्लियस के चारों ओर अपने एक फिट या डेफिनेट जो उनके कक्ष होते हैं ऑर्बिट होते हैं उनमें वो चक्र लगाते हैं ये रदर का मॉडल था और इन्होंने ऐसे डेमोन्स्ट्रेट किया था रिप्रेजेंट किया था अपने मॉडल को इनके मॉडल में जो कुछ कमियाँ रह गई थी तो फिर आगे नील बोर करेंगे और वो हम कवर कर लेंगे धीरे धीरे आई होप सो so गाइज कि आपको वीडियो पसंद आए और आपको समझ आए जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा सो थैंक यू सो मच थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू